आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा तिवारी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल उत्तराखंडी हुनर में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल दीपावली का त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हमारे पहाड़ों में भी काफ़ी चहल पहल है दीपावली के उपलक्ष्य में। और हमारे वहाँ दिवाली के अगले दिन गोवर्धन वाले दिन चूड़े कूटने का रिवाज है, तो इसमें धानों को पहले एकादशी वाले दिन से भिगा कर रखा जाता है और गोवर्धन वाले दिन इन्हें कूटते हैं, जिसे कि अन्नकूट नाम से भी जानते हैं प्लेन्सों में बाहर को लोग। हमारे पहाड़ों में तो गोवर्धन या गैखेल इस तरीके से बोलते हैं। तो इसमें चूड़े देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारी दीपा लोनी दीदी को, जो कि अपनी मौसी के घर गई हैं चूड़े कूटने के लिए। आप देख सकते हैं दीदी भीगे हुए उन धानों को अभी आग में सेक रही हैं। जब ये अच्छे से सीख जाएंगे, अच्छे से इनके ये खिलने लगेंगे, तो ये देखिए हमारी चाची जी जो हैं उनकी, वो चाची मौसी जी जो भी हैं, हम माफ़ कीजिए हम अच्छे से पहचानते नहीं हैं, तो वो उन्हें आप ओखली में इन्हें गरम गरम ही कूटना होता है, इसलिए ये मिलके इसे कूट रही हैं। उनके साथ में और भी हैं, वो सब इन्हें कूट रहे हैं। देखिए ऐसे ही ये इन्हें जितना भी इन्होंने भिगाया है 4-5 बार इन्हें कूटेंगे और फिर इन्हें अगले दिन भाइयों को, घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें, मतलब सपरिवार, हमारे पहाड़ों में तो सपरिवार हर छोटे बड़े को चूड़े पूजने का रिवाज है, चूड़े पूजते हैं और उसमें विशेष आशीर्वाद दिया जाता है, जैसे कि जी रया जुग जुग बची रया, हमारे पहाड़ों में जो है चूड़े पूजने का रिवाज है, तो उसमें यही विशेष आशीर्वाद दिया जाता है कि जी रहे जग रहे बच रहे स्यावजे बुद्धि है जो सेरजे तराण है जो, और घर परिवार में मतलब अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है, उनकी उन्नति के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।